ते ध्यान उभे विटे वारी सुंदर ते ध्यान उभे विटे वारी कर कटावारी ठेवोनिया सुंदर ते ध्यान. Hi, hello, namaskar friends, welcome to Soniya's DIY activities. Aap kahoge ye kya bol rahi hai Soniya signature dishes ke bajaye? So friends, let me tell you, aaj AASHADHI EKADASHI hai, mere Pandurang jo Pandharpur ke hamare Vitthal Bhagwan hai, unka birthday hai. Painting maine banayi hai. I am so sorry ki iska main aapke sath share nahi kar saki kyunki tab mera YouTube established channel nahi hua tha. इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी. द 3 feet पेंटिंग आई हैव डन, बट आज आषाढ़ी एकादशी है तो मैंने सोचा जैसे हम हमारे प्रियजनों को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं उनके बर्थडे पे, तो आज पांडुरंग का भी बर्थडे है तो उसको तुलसी माला बहुत ही प्रिय है, बहुत ही पसंद है. इसलिए एक आर्टिफिशियल तुलसी माला मैं मेरे पांडुरंग के लिए बना रही हूँ. तो लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रेंड्स. इस प्रोसीजर के लिए आपको लगेगा एक शीट क्रेप पेपर का, एक कैंची और एक बड़ी वाली सुई ऐसी, और ये एक धागे का बंडल. ये गार्लैंड बनाने के लिए हमें ऐसे स्ट्रिप्स लगेंगे. वो स्ट्रिप्स कितने होने चाहिए, यानी हमारी ये उंगली और ये उंगली, इन दोनों उंगलियों का जितना होता है, यानी इतना, इतने हमें कट करने हैं ऐसे. See, we have to keep the measurement of 2 to 3 centimeters and cut these strips in this fashion. ऐसे एक 10 से 15 strips कट करके लीजिए. See friends, मैंने ये जो strips काटे हैं अभी, ये इतने हैं अभी लंबे, मैंने हाथ पे मेरे डाले हैं ऐसे. See, इतने मेजरमेंट के, यानी 2 to 3 centimeter इसका होना चाहिए. फ्रेंड्स, ये आपको कैसा करना है, यानी इट इज़ वेरी इजी. इसको ऐसे 1-2-3 फोल्ड्स लगाने हैं पहले, और बाद में इस सुई को इसमें से ऐसे पास करते जाना है. सी, बीच में से, बीच का जो ट्रैक आपने लिया है वो छोड़ना नहीं है. सी, दिखाई दे रहा है? सी, लाइक दिस. फिर एक ऐसा. यानी क्या होगा, इसकी फोल्ड्स ऐसे क्रिएट होंगे. देखो, ऐसे फोल्ड्स क्रिएट होंगे. सी, आई विल शो यू, लाइक दिस. एक बार आपको इसकी ट्रिक मालूम पड़ गई तो आप जल्दी जल्दी ये कर पाओगे. सी, लाइक दिस. थोड़ा थोड़ा ही अंतर छोड़ना है, इतना. और फिर यहाँ पे, फिर यहाँ डाला, फिर यहाँ से निकाला. ये ऐसे करते समय ये ऐसे घूमते जाएंगे. अभी ये जो जैसे घूम रहे हैं, ये ऐसे घूमने के बाद सी, ये ऐसे फूलों का आकार आ जाएगा. ये पूरा होने तक आपको सुई भी बड़ी लेनी है. सुई अगर बड़ी लोगे आप तो अच्छी तरह से बैठ जाएगा. ये आप डोर्स पे लगा सकते हो, वॉल हैंगिंग कर सकते हो, डोर हैंगिंग्स कर सकते हो. नॉट ओनली गार्लैंड, डोर्स के लिए भी कर सकते हो. सी, ये ऐसे हो गया. अभी इसको दबाना है अच्छी तरह से. आपको ऐसे कितना ट्विस्ट करने हैं, आपको ऐसे कर लेने हैं ट्विस्ट, और बाद में इसको ऐसे धागे में, जितना धागा है आपका, इसको ऐसे नीचे तक ले जाना है. सी, ये है माला. अभी तक इतनी बनाई है मैंने,
और आगे बनाऊंगी। सो फ्रेंड्स, ये गार्लैंड मैंने बना दिया है अभी सेट। सो फ्रेंड्स, ये तुलसी माला मैंने बनाई है और मेरे विठल पे चढ़ा दी है। सो जस्ट लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू लाइक इट, एंड डू प्रेस द बेल बटन फॉर माई लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।